उमेश यादव जी, क्या हम ये मानकर चलें कि देखिए राजनीतिक पार्टी जो है वो कोई भी हो, उसके राजनीतिक दायरे से जुड़ी कोई भी घटना होगी जो उसके सियासत को नफा या नुकसान देगी, वहां वो जाएगा। आप उसको पर्यटन बोलो, आप उसको तीर्थाटन बोलो, कुछ बोलो, ये सच्चाई है ये, ठीक। राजभर समाज में कहीं कोई बवाल हो जाएगा, ऊपर कर राजभर नहीं जाएंगे, जाएंगे स्वाभाविक जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो फिर घुसेंगे कैसे अगली बार गांव में? उमेश यादव नहीं, नहीं, ठीक बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो नेता अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है उसको कहीं ना कहीं इस तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं, और कभी कभी चाहते हुए ना चाहते हुए जाते भी होंगे। लेकिन जहां तक देवरिया हत्याकांड और सामूहिक नरसंहार का मामला है, उसमें आदरणीय प्रताप जी, सरकार ने जिस तरीके से 20 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, ये बड़ा विषय है। और जहां तक आप अभी बता रहे थे कि सैकड़ों आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र दिए गए, उसके बाद जब सुनवाई नहीं हुई, 10 साल पुराना मामला था, सन 2014 का था, और उसके बाद जिस तरीके सरकार ने कार्रवाई की उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई। और मुझे लग रहा है कि प्रेमचंद यादव जी के परिवार के साथ, अगर देखिए आप बहुत तथ्यों को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप मेरी बात को समझ जाएंगे, मुझे विश्वास है। आज अखिलेश जी ने इस क्रिया पर प्रतिक्रिया के चलते हुए प्रेमचंद यादव के परिवार का नुकसान कर दिया। उनके जाने की क्रिया पर कल क्या प्रतिक्रिया होगी यदि इसके राजनीतिक तरीके से देखा जाए, तो बजाय सहानुभूति देने के, बजाय लाभ पहुंचाने के, उन्होंने अपना राजनीतिक लाभ तो उठा लिया कि कम्युनिटी के बीच, अपने समाज के बीच में उन्होंने संदेश पॉजिटिव कर दिया, लेकिन उनके जाने की जो प्रतिक्रिया है, उसके बाद की प्रतिक्रियाएं प्रेमचंद यादव जी के परिवार के लिए सकारात्मक ना भी हो सकती है। ये बड़ी बात करें शैलेंद्र दुबे, मैं एक सवाल जिस पर मैं समाजवादी पार्टी से भी समझना चाहूंगा, जो सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने जो कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे क्योंकि सपा के शासनकाल में ही प्रेमचंद यादव ने सब कारोबार शुरू किया, दबंगई शुरू की, हमारी जमीन ऐसा किया वो पूरा, और उसने कहा कि हम खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस तरह की यात्रा से। इतने बड़े राजनेता से मिलने से इनकार पीड़ित पक्ष कर दे, ऐसा सामान्यता होता नहीं है, औपचारिकता हो ही जाती। छोटे नेता जाए तो ये सब हो जाता है, किसी ने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने गली के बाहर बैरियर लगा दिया, किसी ने जिंदाबाद मुर्दा, लेकिन बहुत बड़ा नेता जब जाता है तो सारे पक्ष मिल लेते हैं। और अखिलेश यादव की और उनकी पार्टी ये ऐलान करके गई थी कि हम दोनों से मिलने जा रहे हैं, फिर एक पक्ष ने उनसे उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति क्यों पैदा की? क्या लगता है इसके पीछे आपको? भाई एक तरह का नो कॉन्फिडेंस है अखिलेश यादव पर, जो आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उस व्यक्ति से मिलने में से इनकार कर दे पीड़ित पक्ष, ये एक बड़ा सवाल है समाजवादी पार्टी की राजनीति पर भी और व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश जी के लिए भी। शैलेंद्र दुबे जी, अमिताभ जी बिल्कुल आपने सही जो फरमाया, और मैं उमेश पाल कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के द्वारा जो ये यात्रा की गई है उससे उस परिवार को आगे के लिए एक वैमनस्य जैसा माहौल पैदा हो जाएगा और उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, जो उसका हित नहीं किया गया जिस तरह से जो आपने क्रिया प्रतिक्रिया इस तरह के जो स्टेटमेंट देने का प्रयास किया जो। और अभी जो बात की जा रही थी कि नहीं उसको प्रेमचंद यादव जी को, स्वर्गीय प्रेमचंद यादव जी को किसी के द्वारा बुलाया गया, मीडिया रिपोर्ट से जो आ रही है बात सामने आ रही है कि उस पीरियड के दौरान कोई भी कॉल नहीं गई उनके मोबाइल फोन पे, तो ये सारे विषय वो हैं जो इन्वेस्टिगेशन के हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टिगेशन को जो है कोई मलाफाई वो कर देगा कि नहीं, कॉल को पैदा कर दिया जाएगा, अरे जो तथ्य है वो तो वही रहने वाले हैं ना। और अभी जो आपने कहा कि किसी भी परिवार के द्वारा एक इस लेवल के फिगर को अगर जो है मिलने से मना कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तमाम ऐसी घटनाएं हुई होंगी जहां पर अखिलेश यादव से दोनों पक्ष के लोग मिले होंगे पूर्व में, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो ये कहीं ना कहीं जो उस शासन के दौरान
जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, ये सर्वविदित है। चाहे वो आपके वो कहते हैं राजनी, जो देसी भाषा में गांव वाली भाषा में कहते हैं जिसको किडनैपिंग कहते हैं, उस तरह की घटनाएं हो, अपराधियों को और संगठित अपराध को जो है जिस तरह का संरक्षण प्राप्त होता था, तो लोग उस बात को भूलते नहीं है। और उस दौरान जब कोई भी पीड़ित परिवार हो, चाहे वो मैंने कहा ना आपको ये भी यादव परिवार भी तमाम ऐसी बड़ी संख्या में जो पीड़ित परिवार थे, जब मामला यादव और मुसलमानों के बीच में आता था, जो तो यही एक बड़ा कारण रहा कि उनको भी ये लगा कि नहीं नहीं हम तो जो अंधकार में होके इनका झंडा उठा रहे हैं और ये खाम का जब बात आती है हमारे अस्तित्व की, तो ये हमारे साथ में नहीं खड़े दिखाई देते। तो मेरा कहना वही है कि जो नेता, चाहे अखिलेश यादव हो या कोई ब्राह्मण नेता हो या अन्य किसी जाति का नेता हो या अन्य किसी धर्म के नेता हो, जो ये कहता है कि नहीं मैं अमुक जाति का जो है रखवाला हूं, तो मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो है हानिकारक वही है। जो आदमी सूबे का चीफ मिनिस्टर रहा हो ठीक 5 साल, जिसके परिवार में सूबे की चीफ मिनिस्टरशिप 4 बार रही हो, जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हो, मुखिया हो, उससे पीड़ित पक्ष, एक पीड़ित पक्ष जिसका नुकसान ज्यादा हुआ, उसके यहां 5 लोग मारे गए। मृत्यु तो मृत्यु है, किसी की भी हो, एक हो या 5 हो, लेकिन फिर भी उसका भी वॉल्यूम का एक मैसेज होता है। वो मिलने से मना कर दे, छोटा कोई सपा का नेता जाता, मैं मान सकता था कि भाई लोकल प्रतिद्वंदिता होगी, जब लोकल मन नहीं मिलता होगा, मना कर दिया, बोले भाई तारिक खान आए, बोले हमें नहीं मिलना तारिक खान से क्या। लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन काल में जब ऐसी बड़ी घटनाएं देखी और कोई बहुत बड़ा नेता जब गया, तो फिर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ कि दरवाजा बंद हो गया हो, ये अविश्वास होता दिखता है जनता का। नहीं, अखिलेश यादव पर तो सब पक्षों को विश्वास दिखाना चाहिए, दिखना चाहिए था। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई कि एक पक्ष ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया? तारिक खान, कहने का मतलब यह है कि दुबे परिवार को अखिलेश साहब पे विश्वास नहीं, अमिताभ जी और यादव परिवार को सरकार पे विश्वास नहीं। क्या ये गलत है अगर मैं ये कह रहा हूं? पहले दिन से यादव परिवार कह रहा है कि हमारी FIR हमने दी ही नहीं, किसी और एक रमाकांत यादव नाम के आदमी की FIR वहां पर रखे हुए है जिसके नाम पे दर्ज कर लिया। कल यादव जी की बीवी गई मिलने कि दो और नाम ऐड कर लीजिए, हम संदिग्ध लोगों का और नाम बता रहे हैं, उसका कोई अता पता नहीं। तो क्या पूरी सरकार पे यादव परिवार सत्ता पक्ष पे ये 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 नहीं जता रहा है कि हमें आपके ऊपर यकीन नहीं है? अमिताभ जी सरकार पे यकीन नहीं? मैं इसका उत्तर दूंगा, आप पहले अपनी बात कह लो। जी नहीं, मैं पहले जी, हाँ, इसीलिए नहीं, नहीं। हाँ, जहां पर लोग मरे, और मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ अमिताभ जी जो कह रहे थे हिंदू सब एक हो जाओ भाई भाई, तो यादव क्या इजराइल से आए हैं या यहूदी धर्म अपना? अरे वो लोग हैं कहाँ अमिताभ जी? भारतीय जनता पार्टी के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग। अब वो भाई नहीं रहा, अब वो भाई नहीं, अब क्यों नहीं है भाई? अरे मेरा मूलभूत तो सवाल यही है जी, कि क्यों भाई लोग जी, भाई हो आपस में? मैं ठीक है तारिक भाई, ठीक है जी, मैं राघवेंद्र सिंह के पास चलूं। उससे पहले एक बात कह दूं, ताकि नए अभिषेक नहीं अभी आएंगे, ताकि मैं तथ्य बिल्कुल स्पष्ट रहे। मैंने वो पूछा नहीं जिसका जवाब तारिक ने दिया, मैंने सवाल थोड़ा दूसरे मिजाज का किया था। कई बार राजनीतिक प्रवक्ताओं के लिए उस मिजाज से टोक करना कठिन होता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं और स्पष्ट कर दूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वहां के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, विधायक ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, भूतपूर्व ने क्या कहा, वर्तमान ने क्या कहा, भाभी ने क्या कहा, दरोगा सिपाही, मैंने पढ़ा। मैं कह रहा अखिलेश यादव गए, एक ने दरवाजा खोला, एक ने बंद कर लिया। मैं इसके लिए देखता हूं कि योगी आदित्यनाथ जाए ठीक, और एक दरवाजा ये कह के बंद हो जाए सार्वजनिक तौर पर कि हमें इन पर भरोसा नहीं, ये हमारी जान को और खतरा पैदा करेंगे और सब इन्हीं का किया धरा है, ये कह के दरवाजा बंद हो जाए तो वो बड़ा अविश्वास माना जाएगा।
ये मैं कह रहा था, तारिक ने उसका जवाब थोड़ा भटका दिया, विषय वो नहीं था, विषय सिर्फ इतना था। राजन चौधरी जाते ऐसा हो जाता कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं मिलना चाहते राजन चौधरी जरूरी मिले, नीटू जाते नहीं मिलते ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं मिलना, समझ रहे ना तारिक खान, सुनील साजन जाते नहीं मिले ठीक है, उदयवीर गए नहीं मिले, अखिलेश यादव गए थे, क्या हाथरस में सब लोग नहीं मिले, पीड़ित परिवार सबसे नहीं मिला, मिला ना जब एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, ये मैं कह रहा था भाई साहब। अखिलेश यादव मोहल्ला टोला की पार्टीबाजी में पड़ेंगे क्या, नहीं ना, और अगर आपको लगता है कि नहीं यही पढ़ना अच्छा है तो मेरी शुभकामनाएं, मैं उनका स्ट्रेचर वहां देखना चाहता था कि आप मोहल्ले के लड़कों में कुछ भी हो रही हो लेकिन कोई बड़ा आदमी जाए तो दोनों पक्षों से बात कर पाए, उतनी उतना तो उसका वजूद रहना चाहिए ना, ये मैं कह रहा था, इसलिए मैंने तुलना करके बता दी ताकि आप और राघवेंद्र सिंह कोई भटको नहीं ना मुझे भटकाओ, ठीक। आप दरोगा का उदाहरण दे रहे हो कि दरोगा के पास उनकी पत्नी गई और दरोगा ने कहा, नहीं भाई मैं तो ये कह रहा हूं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, ये मसला राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी, तारीख अभी नहीं बाद में, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हमारे कहने से प्रेमचंद यादव जी, स्वर्गीय प्रेमचंद यादव जी के परिवार के कहने से FIR नहीं लिखी जा रही, राघवेंद्र जी, जी तारिक जी ऐसा नहीं है, FIR भी लिख गई है और जो चार लोगों के नाम थे वो भी सबको पता है, ये अब तारिक जी क्या कह रहे हैं वो इनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, हम समझते हैं। अमिताभ जी अभी हमने आपके रिपोर्ट में ही सुना था सत्य प्रकाश दुबे जी का जो लड़का था वो कह रहा था मेरी समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसे 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 उत्पीड़न हुआ है, इसलिए हमें समाजवादी पार्टी में विश्वास नहीं है, आगे आने वाले खतरे का भी उसने जिक्र किया, वास्तविकता ही यही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में जमीनें कब्जा होती थी, गुंडागर्दी हुआ थी, उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती है जो हुआ, क्रिया की प्रक्रिया शब्द वो एक अमिताभ जी बहुत वास्तविक बहुत ही गंभीर शब्द है, ये उसके लिए ज्यादा गंभीर है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, वो क्रिया की प्रक्रिया एक अपराधी के पक्ष में स्पष्ट रूप से खड़े नजर आ रहे हैं, किसी भी जात का हो सकता है भाई, कोई मुख्यमंत्री हो हम लोग जाते हैं बहुत ही संस्कृत भाषा का बयान देते हैं, हम लोग वोट बैंक देते हैं, कोई ऐसा बयान नहीं देते जो कोई हमारे गले की पास बन जाए, ये क्रिया की प्रक्रिया जो है वो आज वास्तव में समाजवादी पार्टी के गले की आस बन चुकी है, अब इनको उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा ये क्रिया क्या है उसकी प्रक्रिया क्या है, वास्तव में क्रिया के माध्यम से ये एक अपराधी पक्ष में स्पष्ट रूप से खड़े नजर आ रहे हैं अमिताभ जी, मेरी तो मांग ये है FIR होनी चाहिए अखिलेश यादव के खिलाफ, जिस तरीके से ये बेहूसगी भरे बयान ये देने लगते हैं कुछ भी बोलने लगते हैं ऐसा नहीं होता है राजनीति के क्षेत्र में, आप ये बताइए ये क्या क्या क्रिया है क्या प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाली लोग है और जब ये वहां पहुंचे थे तब पूरा बिल्कुल सब काम हो चुका था, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी थी, अपराधी गिरफ्तार हो चुके थे, अब वो उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का नया घटनाक्रम करना चाह रहे हैं कि MY समीकरण के आधार पर यादव के पक्ष पर खड़े होना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जो है अब ये ना देखना चाहती है ना सुनना चाहती है, इन्होंने उत्तर प्रदेश में चार बार इनकी सरकारें रही है, देश और प्रदेश की जनता इससे पूछ रही है कि इन लोगों ने क्या काम किया समाज में क्या अच्छे काम किए ये बताना चाहिए इनको, ये क्रिया की प्रक्रिया है MY समीकरण है।